भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रही वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में केएल राहुल ने बैटिंग करके दिखा दिया कि आखिर रोहित शर्मा उन्हें क्यों बैक कर रहे हैं। एक छोटे से लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए केवल 188 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, फिर भारत के भी उस स्कोर को चेस करने के लिए लाले पड़ जाते हैं। शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव तो खाता भी नहीं खोल पाते, हार्दिक पांड्या, सभी बैट्समैन पवेलियन पहुंच जाते हैं और भारत को अभी भी बहुत जरूरत होती है। केवल 54 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम बिल्कुल फंसती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त अगर कुछ कोई बैट्समैन उस भंवर से निकाल सकता था तो वो था केएल राहुल, और केएल राहुल ने वही किया। राहुल ने गजब की बैटिंग की, एक खतरनाक विकेट, स्विंग होता विकेट, अनइवन बाउंस, लेकिन राहुल ने दिखा दिया कि उन्हें क्यों आखिरकार टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा क्यों बैक कर रहे हैं। और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए केएल राहुल की भूमिका भी रोहित शर्मा स्पष्ट कर चुके हैं, बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज इस टीम में खेलने वाले हैं। ईशान किशन यदि खेल सकते हैं तो बतौर ओपनर हो सकते हैं यदि शुभमन गिल नहीं चलते तो, लेकिन केएल राहुल की जगह बिल्कुल एकदम फिट नज़र आती है। ये वही एकदम फार्मूला है जो पूर्व कप्तान, भारत के सफलतम कप्तान कहा जाए सौरभ गांगुली ने राहुल द्राविड़ को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उस टीम में डाला था, और भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया था 2003 के वर्ल्ड कप में। भारत फाइनल में जरूर हारा था लेकिन बेहतरीन टूर्नामेंट रहा था वो, और हिट रहा था फार्मूला। रोहित शर्मा बिल्कुल एकदम केएल राहुल को लेकर के चलना चाहते हैं और दिखा दिया, शायद यदि आप पहले वनडे में केएल राहुल को आप हटा दें तो भारतीय टीम हार चुकी थी, और उसी ने ये जज्बा दिखा दिया कि वो मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और भारत को उनकी ज़रूरत भी है। तो एक धांसू पारी केएल राहुल की, शानदार 75 रन बनाए नॉट आउट, भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई है। दोस्तों ये केएल राहुल की पारी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए क्रिकेट।